लाइफ में हमारे कन्फ्यूजन्स हैं, जैसे अभी तक शादी नहीं हुई है तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि शादी करें ना करें, अभी करूं बाद में करूं, तो द टॉपिक इज कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन की वजह से ही तो खचड़ पचड़ होता है ना अंदर। जब माइंड कन्फ्यूज होता है तो हम अपनी थिंकिंग में फंस जाते हैं। जब कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर आपके सामने दो रास्ते हों और आपको क्लियर पता हो कि ये मेरा रास्ता है बिकॉज ये रास्ता मेरी मंजिल तक जा रहा है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। बट अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये रास्ता पकड़ूं या ये पकड़ूं क्योंकि मंजिल ही क्लियर नहीं। पॉजिटिविटी कैसे बनी रहे, या पॉजिटिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्लैरिटी नहीं है। वन इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम किसे समझते हैं कि हम अपने आप को कुछ 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 पॉजिटिव बोलते चले जा रहे हैं। अब कब तक बोलते रहोगे, बोलते बोलते थक जाओगे। तो पॉजिटिव रहना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। कि लाइफ में क्लैरिटी कहां से आती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे, बिकॉज जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या वो बेवकूफ नहीं हो जाएगा कि सामने कुछ नेगेटिव और नहीं सब अच्छा है सब अच्छा है। तो किसी भी सिचुएशन को लेकर के, लाइफ को लेकर के, ना पॉजिटिव होना सॉल्यूशन है ना नेगेटिव होना सॉल्यूशन है, सिर्फ लाइफ को समझ लेना सॉल्यूशन है। डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। अब कन्फ्यूजन किससे रिलेटेड है, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, एक पैशन और प्रोफेशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है। कुछ मेजर डिसीजन है लाइफ में, जैसे शादी, उसको लेकर के कन्फ्यूजन है। तो ऐसा कैसे हो कि लाइफ में जो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चॉइसेस आ रही है हमारे सामने, उसका सोल्यूशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकें। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं पैशन और प्रोफेशन से। इन दोनों के बीच के फर्क को हम कभी समझ नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी जड़ है हमारी लाइफ में कन्फ्यूजन की। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोगों के केस में, यानी लाखों में कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सेम भी होता है कि उनका पैशन ही उनका प्रोफेशन बन जाता है। उनको देख करके हम वैसे ही एक्साइटेड होते रहते हैं कि वो देखो उसने वहां से खेलना शुरू किया, आज देखो कहां खेल रहा है। तो उसको देख करके एकदम हमारे माइंड में आ जाता है वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। या सिंगिंग से रिलेटेड हमारे माइंड में गलतफहमियां आ जाती हैं, क्योंकि सभी को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मुझे भी लगता है। बट रियलिटी क्या है वो तब समझ आता है जब आप एक ऐसी जगह पे गए हो जहां पे हजारों लोग हैं जो आपसे लाख गुना बेटर है, तब एकदम से शीशे में अपनी शक्ल दिखती है कि अबे कहानी तो कुछ और ही चल रही है। तो इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपका पैशन है खेलना तो खेलो, कौन मना कर रहा है। प्रोफेशन क्या है, आप जॉब करते हो कहीं पे तो जॉब करो। हाँ, अगर आपका पैशन है कि वो करके गा करके मुझे तो यहाँ टीवी पे आना है और ये बनना है, तो आपका पैशन सिंगिंग नहीं है, आपका पैशन फेम है। तो पहले अपने आप के लिए डिफाइन करो कि व्हाट इज योर पैशन। इफ योर पैशन इज सिंगिंग, तो आप अकेले भी कहीं किसी मंदिर में बैठ करके गा रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है। पैशन के लिए डोंट नीड एन अप्रूवल फ्रॉम समबडी। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम स्पीकिंग हियर, देयर कुड बी टू वेज ऑफ स्पीकिंग। एक आपके अप्रूवल के लिए कि आप तारीफ करो, दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। तो सेशन किस लिए कर रहा हूं, अंदर से कुछ आ रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं। पैशन का मतलब यह है कि इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, तो उसको इस तरीके से करो कि जब आप वो कर रहे हो तो वो करना ही उसका आउटकम है। यानी उसका कोई एंड गोल नहीं है, उसको पोस्टपोन नहीं कर रहे कि उसको करके 10 साल बाद 20 साल बाद ये होगा, तब तो आप इल्यूजन्स में जी रहे हो। पैशन मतलब क्या, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट सिंगिंग, तो अगर गा रहे हो कई बार अपने घर की छत पे अकेले बैठ करके, क्योंकि घर में तो हो सकता है आपको गाने नहीं देंगे, मार पिटाई हो जाएगी, तो घर की छत पे बैठ करके जब अकेले में गा रहे हो तो गाते गाते खो ही पड़े हो, वो गाना ही लाइफ है। अगर इस तरह से आपको गाना आ जाता है, यानी इफ यू कैन सिंग लाइक नोबडी इज वॉचिंग, तो यू हैव मास्टर्ड लाइफ। यही लाइफ की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है।